नमस्कार साथियों, पॉलिटेक्निक पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग आपको PLC स्काडा एंड माइक्रो कंट्रोलर सब्जेक्ट में पढ़ाया जा रहा है, जिसमें आज इंटरफेसिंग पढ़ाएंगे। इंटरफेसिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको ज़रूर पढ़ के जाइएगा, ठीक है। तो इंटरफेसिंग क्या होता है उसके बारे में हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे देखेंगे। इंटरफेसिंग कैन बी डिफाइंड एज द ट्रांसफरिंग डाटा बिटवीन माइक्रो कंट्रोलर एंड इंटरफेसिंग पेरीफेरल, ठीक है। इंटरफेसिंग डिवाइसेस होती हैं, इंटरफेसिंग डिवाइसेस होती हैं। तो इंटरफेसिंग किसके किसके बीच होगी? माइक्रो कंट्रोलर्स और इंटरफेसिंग पेरीफेरल्स, पेरीफेरल्स का मतलब इंटरफेसिंग डिवाइसेस, इसके बीच डाटा का ट्रांसफ़र किया जाता है, ठीक है। इसके बीच डाटा को क्या किया जाता है? ट्रांसफ़र किया जाता है, और इसी को इंटरफेसिंग बोलते हैं। इंटरफेसिंग कैन बी डिफाइंड एज द ट्रांसफरिंग डाटा बिटवीन, देखिए ट्रांसफरिंग डाटा बिटवीन माइक्रो कंट्रोलर्स एंड इंटरफेसिंग पेरीफेरल्स, आप यहाँ पे डिवाइसेस भी लिख सकते हैं। तो इंटरफेसिंग पेरीफेरल्स कौन कौन से हैं? जैसे सेंसर्स हो गया, कीपैड हो गया, माइक्रो प्रोसेसर हो गया, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर हो गया, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर हो गया, LCD हो गया, 7-segment डिस्प्ले वगैरह हो गया, ऐसे तमाम सारी चीज़ें हैं, ठीक है। बहुत सारे डिवाइसेस हैं। तो इंटरफेसिंग का मतलब है ट्रांसफरिंग डाटा बिटवीन माइक्रो कंट्रोलर एंड इंटरफेसिंग पेरीफेरल्स, पेरीफेरल्स मतलब जो इंटरफेसिंग डिवाइसेस हैं, जैसे सेंसर, कीपैड, माइक्रो प्रोसेसर, ADC और DAC, ठीक है। ADC मतलब एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, DAC मतलब डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, उसके बाद LCD है, 7-segment डिस्प्ले है, तमाम सारी चीज़ें हैं। दीज डिवाइस दैट आर इंटरफेस विथ माइक्रो कंट्रोलर 8051 आर यूज्ड फॉर परफॉर्मिंग स्पेशल टास्क और फंक्शन आर कॉल्ड इंटरफेसिंग डिवाइसेस। ये जो डिवाइस है ना, ये जो डिवाइस है इसे इंटरफेसिंग डिवाइस बोलते हैं, ठीक है। और ये कौन से परफॉर्मेंस क्या कहते हैं, कौन सा परफॉर्मिंग करता है? स्पेशल टास्क और फंक्शंस को क्या करता है? परफॉर्म करता है, ठीक है। तो दीज डिवाइस दैट आर इंटरफेस विथ, मतलब ये डिवाइसेस किसके साथ इंटरफेस करती हैं? 8051 माइक्रो कंट्रोलर के साथ इंटरफेस करती हैं। ये जो डिवाइसेस हैं ये किसके साथ इंटरफेस करती हैं? माइक्रो कंट्रोलर के साथ इंटरफेस करती हैं, मतलब उसके माध्यम से डाटा को क्या किया जाता है? ट्रांसफ़र किया जाता है, ठीक है। विथ 8051 माइक्रो कंट्रोलर आर यूज्ड फॉर, इसका यूज किसके लिए किया जाता है? परफॉर्मिंग स्पेशल टास्क और फंक्शंस, कुछ स्पेशल टास्क होंगे या फंक्शंस होंगे उसके लिए जो है ये डिवाइसेस माइक्रो कंट्रोलर के साथ क्या करते हैं? इंटरफेसिंग करते हैं, ठीक है। और इन डिवाइसेस को हम क्या बोलते हैं? इंटरफेसिंग डिवाइसेस बोलते हैं। इसके अंतर्गत कई सारी डिवाइसेस जो है आती हैं, ठीक है। तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, यहाँ पर ट्रांसफरिंग डाटा से रिलेटेड है, किसके किसके बीच? इंटरफेसिंग पेरीफेरल्स और माइक्रो कंट्रोलर्स के बीच, ठीक है। बस वही है, बाकी इसमें कुछ खास नहीं है। अब इंटरफेसिंग डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, क्योंकि वही चीज़ आपके सिलेबस में दिया गया है। हालांकि हमको पढ़ाना वही चाहिए था, लेकिन इंटरफेसिंग के बारे में थोड़ा डिफाइन कर देना ज़रूरी होता है, ठीक है। आप लोग समझ गए होंगे ये वाली लाइन, दीज डिवाइसेस मतलब ये सब जो डिवाइसेस हैं दैट आर इंटरफेस, ये डिवाइसेस किसके साथ इंटरफेस करती हैं? 8051 माइक्रो कंट्रोलर के साथ इंटरफेस करती हैं, जो परफॉर्मिंग करता है स्पेशल टास्क या फिर कोई फंक्शंस हो, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? इंटरफेसिंग डिवाइस बोलते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग अच्छे तरीके से लिख लीजिएगा, इसको मैं हिंदी में भी लिख सकता था लेकिन इंग्लिश में ही ज़्यादा ठीक रहता है, क्योंकि ये जो PLC स्काडा है ना, इसे इंग्लिश में समझने में थोड़ा ज़्यादा आसानी होती है। जैसे मैं इस चीज़ को पूरा अच्छे तरीके से समझ रहा हूँ, आप लोगों को थोड़ा दिक्कत होगा क्योंकि इंग्लिश में लिखा है, और हिंदी में भी लिखा होता तो थोड़ा कठिनाइयाँ होती, क्योंकि नया सब्जेक्ट है ना, इस वजह से थोड़ा दिक्कत होता है। लेकिन एक जैसे एक दो बार आप पढ़ते हैं ना, तो ये सारी चीज़ें क्लियर होती चली जाती हैं। और ये सारी चीज़ें तो जो है एक डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाना ज़्यादा उचित रहता है, क्योंकि इंडस्ट्रियल सॉफ्टवेयर का यूज करके ये सारी चीज़ें आपको बताई जा सकती हैं। ये आपका इंटरफेसिंग को डिफाइन हो गया। अब हम लोग कौन से इंटरफेसिंग पढ़ेंगे? कीपैड की इंटरफेसिंग, इंटरफेसिंग ऑफ कीपैड यहाँ पर लिखेंगे, इंटरफेसिंग
ऑफ कीपैड, इंटरफेसिंग ऑफ कीपैड। ठीक है, सबसे पहले सिलेबस में यही दिया गया है तो इसी के बारे में क्या करेंगे, पढ़ेंगे। कीपैड व्यापक रूप से ये देखिए, कीपैड एक तो होता है जैसे कंप्यूटर के सामने जो आपका कीपैड होता है उसमें टाइपिंग करते हैं बहुत सारी चीज़ें, उसमें 100+ बटन्स होती हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो कीपैड यूज किया जाएगा ना वो इंडस्ट्रियल कीपैड होगा, जो कंट्रोल पर्पज़ के लिए क्या किया जाता है, यूज किया जाता है, वो थोड़ा डिफरेंट होगा लेकिन उसी तरीके से है। ठीक है, कुछ अलग नहीं है, मतलब डिफरेंट है, अलग है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उसी के जैसा रहेगा ये भी। ठीक है, कीपैड व्यापक रूप से इलेक्ट्रॉनिक्स और एम्बेडेड प्रोजेक्ट में उपयोग होने वाली प्रोजेक्ट में उपयोग होने वाली इनपुट डिवाइस है। उनका उपयोग संख्याओं और अल्फाबेट्स के रूप में इनपुट लेने के लिए किया जाता है, सिंपल सी बात है, कीपैड है तो उससे इनपुट ही लिया जाएगा, उसमें टाइपिंग करेंगे तो इनपुट जाएगा अंदर। ठीक है, और आगे की प्रक्रिया के लिए सिस्टम में समान रूप से फीड किया जाता है, आगे के प्रोसेस के लिए सिस्टम में समान रूप से फीड किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे बड़ी हो गया, सिस्टम में समान रूप से क्या किया जाता है, फीड किया जाता है। भाई कीपैड व्यापक रूप से इलेक्ट्रॉनिक्स और एम्बेडेड प्रोजेक्ट, जो हमारे एम्बेडेड सिस्टम आ रहे हैं जिसमें सब कुछ इनबिल्ट है, ठीक है, एम्बेडेड प्रोजेक्ट में उपयोग होने वाली इनपुट डिवाइस है, इनका उपयोग जो है नंबर्स और अल्फाबेट के रूप में इनपुट लेने के लिए किया जाता है, और आगे के प्रक्रिया के लिए सिस्टम में समान रूप से फीड किया जाता है, ठीक है। तो इंटरफेसिंग ऑफ कीपैड ये हो गया। अभी कीपैड जैसे 4x4 मैट्रिक्स कीपैड, जैसे एग्जांपल के तौर पर है आपका, आपका देखेंगे कि 4x4 मैट्रिक्स कीपैड, ठीक है,
तो इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। कुछ भी नहीं है इसमें, सिंपल सी बात है, बस इसको केवल लिखना है और आपको पढ़ना है, ठीक है। इसमें पहले कि हम माइक्रो कंट्रोलर के साथ कीपैड को इंटरफेस करें, इसमें लिखा है, इसमें पहले कि हम माइक्रो कंट्रोलर के साथ कीपैड को इंटरफेस करें, ठीक है। पहले हमें यह समझने की आवश्यकता है, आवश्यकता है कि यह कैसे काम करता है, ठीक है। इसमें पहले कि हम माइक्रो कंट्रोलर के साथ कीपैड इंटरफेस करें, ठीक है, एक कनेक्शन होता है, आगे हम आपको बताएंगे, उसको बनाएंगे भी। पहले हमें यह समझने की आवश्यकता है कि यह कैसे काम करता है, ठीक है। मैट्रिक्स कीपैड में पुश बटन के सेट होते हैं, यहाँ पर लिखेंगे मैट्रिक्स कीपैड में पुश बटन के सेट होते हैं, ठीक है। पुश बटन के क्या होते हैं, सेट होते हैं, जो परस्पर जुड़े होते हैं, मतलब इसमें पुश बटन के सेट होते हैं, ठीक है, जो आपस में क्या होते हैं, जुड़े होते हैं एक दूसरे से, तो वो भी हम आपको बताएंगे। अभी जो उसमें किया जा रहा है वो चीज लिख रहे हैं। जैसे हम 4x4 मैट्रिक्स कीपैड, जैसे हम 4x4 मैट्रिक्स कीपैड, 4x4 मैट्रिक्स कीपैड का उपयोग कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें प्रत्येक 4 पंक्तियों में 4 पुश बटन हैं, जिसमें प्रत्येक चार रो में चार पुश बटन हैं, ठीक है। 4x4 मैट्रिक्स का मतलब है कि रो और कॉलम क्या होता है, रो और कॉलम होता है, तो 4 कॉलम होंगे, 4 क्या होगा, रो होगा, तो प्रत्येक 4 रो में 4 पुश बटन हैं, ठीक है। अभी आगे इसका फिगर बनाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और पुश बटन के टर्मिनल चित्र के अनुसार कनेक्ट किए गए हैं, और पुश बटन के टर्मिनल चित्र के अनुसार कनेक्ट किए गए हैं, गए
चित्र के अनुसार कनेक्ट किए गए हैं, हालांकि चित्र मैंने नहीं बनाया है। पहली पंक्ति में, पहले रो में सभी चार पुश बटन का आगे लिखेंगे, पहले रो में सभी चार पुश बटन का सभी चार पुश बटन का एक टर्मिनल एक साथ कनेक्ट किया जाता है, का एक टर्मिनल एक साथ कनेक्ट किया जाता है, एक साथ कनेक्ट किया जाता है, और चार पुश बटन का एक और टर्मिनल और चार पुश बटन का एक और टर्मिनल चार पुश बटन का एक और टर्मिनल चार कॉलम को प्रदर्शित करता है, चार कॉलम को रिप्रेजेंट करता है, करता है, ठीक है। प्रत्येक रो को इसी प्रकार कनेक्ट किया जाता है, प्रत्येक रो को इसी प्रकार कनेक्ट किया जाता है, ठीक है। इस प्रकार हमें माइक्रो कंट्रोलर से जुड़ने के लिए 8 टर्मिनल प्राप्त होते हैं। कुल मिलाकर के ये जो 4x4 का मैट्रिक्स कीपैड है ना, इसमें कनेक्शन इस प्रकार से करते हैं कि 8 टर्मिनल बाहर निकलें और उसको हम माइक्रो कंट्रोलर से क्या कर सकें, जोड़ सकें, ठीक है। बाकी कैसे कनेक्शन किया गया है ये चीज़ आपको अभी यहाँ पर लिख करके बताया गया है, अभी उसका फिगर भी मैं बना दे रहा हूँ, ठीक है। घबराने की ज़रूरत नहीं है, इसमें कोई ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल चीज़ नहीं है, तो इसको आपको इसी तरीके से पढ़ना है। अगर एग्ज़ाम में आएगा तो ये चीज़ आपको क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। अगर कीपैड इंटरफेसिंग को पूछ लेगा तो आपको ये चीज़ क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको मैं बना देता हूँ, यह हो गया, यहाँ पे जगह कम पड़ेगी, मैं इसको मिटा करके बना देता हूँ, ठीक है। कीपैड इंटरफेसिंग, जैसे अब यहाँ पे क्या है, चार गुड़े चार कितना होगा, 4×4=16, कितने हैं, 4×4=8, 4×4=12, 4×4=16, ठीक है।
जैसे यहाँ पे आपका स्टार है कुछ इस तरीके का, फिर यहाँ पे जीरो है आपका, फिर ये आपका क्या है हैच है, फिर आपका ए बी सी डी है, ए बी सी और क्या है डी है, 1 4 7 2 3 4 5 6 8 9 ऐसे चल रहा है। ठीक है, ये हमारे कीपैड हैं, कितने हैं 16 हैं, 4x4 मैट्रिक्स कीपैड हैं। तो देखिए ये रो हो गए, ठीक है, क्या हो गए रो हो गए, और ये क्या हो गए कॉलम हो गए। ठीक, तो यहाँ पे रो इनटू कॉलम बोला जाता है, मैट्रिक्स आप लोग पढ़े होंगे, तो इसको हम ऐसे कनेक्ट कर देते हैं जैसा कि वहाँ पे लिखा गया है। देखिए कितने टर्मिनल निकलेंगे, तो यहाँ से 4 टर्मिनल निकलेंगे, ठीक है, एक तो आपका ये हो गया, थोड़ा और नीचे इसको ले जाते हैं हम, ठीक है, एक आपका ये हो गया, दिखाई दे रहा है, मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को दिखाई दे। ठीक है, ये हो गया, ये 4 टर्मिनल हमारे क्या हो गए निकल गए। अब उसी प्रकार कॉलम को भी हम जोड़ देंगे यहाँ से, ऐसे इस तरीके से, यहाँ से ये सब इंडस्ट्रियल कीपैड हैं, ठीक है, सामान्य कंप्यूटर के कीपैड नहीं हैं। तो एक तो यहाँ से टर्मिनल आप क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं, एक तो यहाँ से निकल गया, उसमें जैसे निकाला है मैं निकाल रहा हूँ, ठीक है, दूसरा यहाँ से निकल गया, एक यहाँ से निकल गया, एक यहाँ से निकल गया, कितने हुए 4 3 7 हुए। ठीक है, अब एक टर्मिनल और जो है निकलना जा रहा है, आपके बुक के अनुसार यहाँ से एक टर्मिनल निकाला जा रहा है। ठीक है, तो देखिए ये कॉलम वाला तो निकल गया इधर से 4, इधर से 4 निकल गया, ठीक है, तो जो रो वाला है ना एक टर्मिनल यहाँ से ले लिया जा रहा है, कहाँ से ले लिया जा रहा है यहाँ से ले लिया जा रहा है, ये रो है हमारा ना, रो से एक टर्मिनल बाकी था क्योंकि यहाँ से 3 ही टर्मिनल आया था, 1 2 और 3, ठीक है, और ये रो वाला है चौथा, और ये कॉलम वाला है। ठीक, तो यहाँ से हमारे कितने टर्मिनल निकल के आ गए, कुल मिला के 8 टर्मिनल हैं, 8 7 1 2 1 2 3 0 वाले से 3 3 है, और ये 4 है, छः सात आठ,
फिर ये हमारा 6 है, फिर 7 है, फिर 8 है, और ये हमारा क्या है 5। तो इतने टर्मिनल हमारे निकले हैं, तो किससे जुड़ेगा इसको आप लोग अच्छे से बना सकते हैं। अब इसको हम एक माइक्रो प्रोसेसर से जोड़ दे रहे हैं, माइक्रो कंट्रोलर से, ठीक है, माइक्रो कंट्रोलर 8051 इस तरीके से। तो इसका फिगर आप लोग बना लीजिएगा, इसमें कोई ज़्यादा कठिन नहीं है, ठीक है, ये हो गया। तो इसको आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। अगला इंटरफेसिंग अगले लेक्चर में क्या करूँगा पढ़ाऊँगा, लेकिन आज ही कंप्लीट करेंगे आज का क्लास, यहीं तक। धन्यवाद।